तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट मोड चेंज हो चुका है। जिनका पहले पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा था, उनका पेमेंट मोड अभी आधार हो चुका है। लेकिन पेमेंट मोड आधार होने के बाद ही उनका पीएफएमएस बैंक स्टेटस अभी तक अंडर रिविलेशन प्रोसेस विथ बैंक शो कर रहा है। उन सभी किसान लाभार्थियों की इस वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर चुनौती के लिए तैयार एग्रोस्टार की एटम तिरपाल, टियर लॉक टेक्नोलॉजी से बनी, तेज धूप में भी खराब न होने वाली यूवी प्रोटेक्टेड, फसल और पशुओं को बारिश के पानी से बचाने वाली 100% वाटरप्रूफ, 120 जीएसएम की बनी, वजन में कम, मजबूती में बेमिसाल एग्रोस्टार की एटम तिरपाल। उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीदी करने के लिए आज ही अपने नजदीकी एग्रोस्टार के लाल दुकान पर जाएं। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा, इमेज कोड डालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे किसान हैं जिनका पेमेंट मोड अभी पेमेंट मोड जो सो पहले आधार। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन होने के बाद मैं किसान का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसका पेमेंट मोड यहाँ पर अकाउंट था लेकिन अब आधार हो चुका है। और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 17/8/2022 दी गई है और फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इस तरह का भी स्टेटस दिखा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका फॉर्म एक्टिव है, आधार इज़ वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है। और यहाँ पर आप इस तरफ स्क्रॉल करोगे तो इनका पेमेंट मोड पहले अकाउंट था लेकिन अब आधार हो चुका है। लेकिन सवाल किसानों का यह है कि यह अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो क्यों कर रहा है? तो मैं बता दूँ, अभी तक यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उसकी वेरीफिकेशन किया जा रहा है। वेरीफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो या फिर फॉर्म का रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। और लगभग किसानों का ये एक्सेप्ट होगा, आपका पेमेंट मोड आधार हो चुका है, इसका मतलब आपका यहाँ पर लगभग एक्सेप्ट होगा। हो सकता है कि कुछ कंडीशन में आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। पर आप इस किसान का स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर इसका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म और पीएफएमएस ने इसका रिजेक्ट किया है। तो इसका कारण भी दिया है, यानी रीजन भी आप देख सकते हैं, यूडे इज डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी कॉन्टेक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये बैंक अकाउंट में जाकर आपको आधार लिंक करवाना होगा। वैसे बैंक में तो आधार सभी में लिंक किया जाता है, लेकिन आधार में बैंक अकाउंट एक ही लिंक होता है, यानी एनपी से लिंक कराना होता है। जो डीबीटी का जितना भी पैसा मिलता है, जितना भी सरकारी योजनाओं का पैसा आधार पर भेजा जाता है, वो आपको मिल सके, इसी वजह से आधार में बैंक अकाउंट लिंक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बैंक में जाकर लिंक करवाए। अगर यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले आपको अपनी डिटेल दोबारा से चेक करनी है कि क्या वजह है जैसे मेरा डिसेबल हुआ है। बैंक अकाउंट के ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी वजह से आपका यहाँ पर पीएफएमएस फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है जो पीएम किसान योजना की गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। और जो बैंक अकाउंट पीएम किसान योजना में एक्सेप्ट किया जाता है, वो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे किसान जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनका भी यहाँ पर पीएफएमएस बैंक पता लगा लेता है और वो भी फॉर्म उस समय रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आप सही किसान हैं, तो अगर आपके आधार कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट लिंक है और उसमें पैसा नहीं आ, तो आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कीजिए, यानी दूसरे बैंक में जाकर एनपी से लिंक कीजिए और डीबीटी का पैसा उसमें आप लीजिए। अगर एक बैंक में पैसा नहीं आ रहा तो आप चेंज कीजिए, अगर आपका लिंक नहीं है तो आप बैंक में जाकर एनपी से एक फॉर्म लेकर लिंक करवाइए। इस प्रोसेस से आप आसानी से पीएम किसान योजना का पैसा ले सकते हैं। और जिनका अभी तक अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहे, उन किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उनका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर से लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद किसान मित्रों।